हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो ब्लॉग चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और आज संडे भी है और संडे को मुझे छुट्टी रहती है ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि मैंने अपनी होंडा SP125 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का इंस्टॉलेशन किया है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे इसमें इंस्टॉल किया जाएगा उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो ख़ास चीज़ जिसे बाइक पिलियन होल्डर हुक कहा जाता है, साथ ही साथ इसे आप बैग हुक भी कह सकते हैं। और बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप इसे अपने बाइक में लगाते हैं तो कोई भी चीज़ हैंग करने के काम आता है। जैसे कि छोटा मोटा बैग अगर आप बाज़ार जाते हैं तो उसके लिए होता है। अगर आपके बाइक में अगर साइड लगेज नहीं लगा है तो काफ़ी काम का होता है। तो दोस्तों ये ऑटोफेच कंपनी की है जिसे मैंने अमेजन से परचेज किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। इसके बाद दोस्तों ये लगेज क्लिप है जो कि साइड लगेज लगाने के काम आता है, लेकिन चूंकि इसमें मुझे जुगाड़ लगाकर इसे लगाना है इसलिए मैंने इसे यहीं के लोकल मार्केट से 20 रुपीज़ में ले लिया है। तो चलिए इसे लगाते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये पिलियन हुक जो है इसे होंडा SP में लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्प्लेंडर हो, पैशन हो या ग्लैमर हो, उसमें लगाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ ऊपर से आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। सो मैंने लगाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि इसके सीट को ओपन कर लेंगे अपने की से, और इस सीट को मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे बाइक की सीट ओपन हो चुकी है, और इसके बाद मैंने ये वाली रिंच ली है, और ये रिंच आपको 14 नंबर की रिंच है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसी रिंच से इसका जो सॉकर वाला जो नट वोल्ट है वो खुल सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो सॉकर दिख रहा है, राइट सॉकर जो है उसमें एक वोल्ट लगा हुआ है, और उस वोल्ट को इसे हम लूज़ करेंगे इस 14 नंबर के रिंच से। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि मैंने अपनी बाइक की पैनल नहीं खोली है पूरी पैनल, इसलिए मैंने सोचा कि पैनल खोलने के बाद बेवजह काम बढ़ जाएगा, इस वजह से
तो दोस्तों मेरी ये वॉल्ट खुल चुकी है सस्पेंशन की। और इसी सस्पेंशन में वो जो क्लिप मैंने आपको दिखाया था, ये वाली क्लिप, इस क्लिप को लगाना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो राउंड वाला जो होल है, इसी होल की तरफ से इस सॉकर के नीचे से, निचले वाले भाग से जो होल बना हुआ है, नीचे से आपको उसे घुसाना है। दोस्तों चूँकि मैं अकेले ही शूट कर रहा था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सका कि उसे कैसे कसा जाता है, लेकिन उसी सॉकर वाले का जो वोल्ट मैंने खोला था उसी में इसको लगाकर आपको कसना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ, और वो जो क्लिप लगाया गया है उसी क्लिप में इस पिलियन हुक को लगाना है, और इसके बाद एक नट वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उसी नट वोल्ट से इसमें कसना है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने टाइट कर दिया है, कस दिया है, थोड़ा सा लूज है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ ताकि यह कोई भी अगर बैग अगर मैं इसमें हैंग करता हूँ तो हिले नहीं। मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जब सुबह में स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाने के समय में बच्चों को जब इस पे बिठाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि तीन तीन बैग हो जाते हैं, मेरे साथ भी बैग रहता है, फिर बच्चों का भी स्कूल बैग रहता है। तो इस वजह से मुझे इसमें लगाना पड़ा, क्योंकि कम से कम एक बैग तो हैंग इसमें किया जा सकता है जिससे कि परेशानी ना हो, और साथ ही साथ अगर मैं उधर से वापस भी आता हूँ तो हल्की फुल्की अगर आप सब्ज़ी लेना चाहें तो सब्ज़ी भी लेकर आप इसमें हैंग कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। तो फाइनली यह बैग हुक लग चुकी है, अब मैं इस सीट को इसमें फिट कर देता हूँ। और एक बार फिर से इसे देख लेता हूँ अच्छी तरह से। एक बार दोस्तों इस पे बैठ कर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई परेशानी तो नहीं बैठने में, और मुझे लगता है कि पीछे वाले भी लोग अगर बैठेंगे तो कोई इससे परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।